In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो institutions हैं उनमें OBC की भागीदारी कितनी है ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग institutions में थोड़ा research किया जो central Hindustan, don't worry, don't be scared. We are discussing. डरो मत, डरो मत. हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं. डरो मत. तो मैंने, I checked. Simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India, the people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 secretary हैं, sorry 90 secretary हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं. मैंने यह सवाल पूछा. मैं आपको जवाब देना चाहता हूं. हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं. और सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं. मतलब ये जो है, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते. आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए. ये सी दे नॉट शोइंग ऑन टीवी. ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, एक मिनट एक मिनट
एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य, मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है, डरो मतो ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। सर ये जो डिस्कशन है, सर स्पीकर सर प्लीज, दिस डिस्कशन इज अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, द वुमेन बीइंग वन ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड द ओबीसी कम्युनिटी बीइंग अनदर ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. Yeh OBC community ka apman hai. To sawal uthta hai ki is desh mein कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। और दूसरी बात इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय